अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद पिजन। चेतर की तैयारी चल रही है और तैयारी का एक बच्चा आके बैठा है। दोनों साइडों में इसके लाल रंग लगे हुए हैं, ये देखें। ये इसको पकड़ने की ट्राई करते हैं और अंदर फेंकने की कोशिश करते हैं। मेरे कबूतरों को भी ऐसा ही कुछ कलर लगा हुआ लाल सा। अगर पकड़ा गया तो ठीक है, मैं तो कैमरा शैमरा स्टैंड पर सेट कर लूँ। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल के ऊपर। ये मैं खोल ही ना, ओए रुक जा, इसे मुझे खोलने का भी ये मौका नहीं दिया। मैं तो इधर वाला खोल के इसको अंदर करने की कर रहा था, तो ये तो पहले ही चला गया। तो ये हो गया कैमरा स्टक, इसको यहाँ से अंदर फेंकते हैं जी। इसे उड़ जाए ना, जो हालात नजर आ रहे हैं मुझे। जितना कोई ये डरा हुआ ना इस बच्चे ने, वैसे ही उड़ गया मैं। बच्चा डरा बहुत ज्यादा हुआ है, वो देखिए ऊपर चल रहा है कैसे डर डर के। ये ले ली जल्दी जल्दी में, बच्चा उड़ गया। चले कोई बात नहीं, अगर दोबारा आके बैठता तो वीडियो कंटिन्यू कर। देखिए बच्चा जो है आके बैठा हुआ है, इसको पकड़ने की ट्राई करते हैं, देखते हैं जी हाथ आता है या नहीं आता। जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर पूरा कर दूंगा। चौकस बहुत हो गया मुझे देख के ना, चौकस फुल टाइम हो गया। और ये मैं कैमरा कर दिया ये सेट, ये हो गया कैमरा पूरा सेट, ये आ गया फुल व्यू। देखते हैं जी हाथ आता है या नहीं आता। डर रहा बहुत ज्यादा। बच्चा तो पकड़ लिया जी, जाल के अंदर फेंक दिए। ये पकड़ा जी बच्चा हमने, ये आ गया जाल के अंदर बैठा हुआ। आपको मैं ये भी दिखाता हूँ ये बच्चा, उसके अलावा जो दो पकड़े हुए थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो टोटल तीन कबूतर हो जाएंगे ये वाले ना अभी फिल वक्त के लिए। अगर कोई और आ गया तो वो भी मैं साथ ही अटैच कर दूंगा। ये बच्चा है जी जो कि पकड़ा है, मैं आपको इसकी सबसे पहले ही आंख शंख दिखा देता हूँ। बड़ा खूबसूरत बच्चा, छोटा सा बच्चा, ये है इसकी आंख।
बड़ा अच्छा मोरे के अंदर है, ये देखें ये लांग लाल आंग के अंदर है, बड़ा अच्छा मोरे के अंदर पट्टी लगती है, पट्टी बनेगी, बंद टेल के अंदर है बिल्कुल, हाथ में तंग हो रहा है, जान में आ गया। और ये है इसके पर पहली कली का बच्चा, पहले 5 पर बंदे में है भाई जान, ये दे। अगर ये मेरे किसी व्यूवर का हो तो मेरे से वो भाई वो वापस लेकर जा सकता है, मुझे इसकी जो है कड़ी बता दीजिएगा और मेरे से ये ले जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये इसके पर हैं, वैसे ये बच्चा यार मेरा जो अंदाज़ा है ना, गिरना चाहिए नहीं था, ये पता नहीं वजह क्या बनी है, गिर क्यों गया, या पहली दफ़ी उठा है पिंजरे के ऊपर से तो बेचारा भटक गया, क्योंकि गिरने वाला ना इसको पर लगा हुआ ना इसकी गिरने वाली आँख है, दोनों चीज़ें इसकी बाहर गिरने वाली नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये बच्चा बाहर क्यों गिर गया, ठीक है। ये इसके पंजे हैं, ये पक्का होने वाला बच्चा और बड़ा अच्छा ब्लड लाइन में से, बहुत अच्छी ब्रीड में से बच्चा है। अगर तो मेरे व्यूवर मिल गए मुझे जिसका है, नहीं तो फिर ये मैं अपने एक दोस्त को जो है ना वो गिफ्ट कर दूंगा, ठीक है, उसकी तरफ भिजवा दूंगा, वहाँ पे बाजियाँ शाजियाँ लगी हुई हैं तो वहाँ पे ये काम आ जाएगा ना, तो क्योंकि बड़ा अच्छा और बड़ा कीमती बच्चा, देखें हाथ में आके इतना बुरा मन है, वो मोरा देखें आप इसका कितना अच्छा, हाथ में आके तंग हो गया ना, हड्डी बिल्कुल सही, बिल्कुल हल्की से मामूली से जोड़ खुले हुए हैं, जो कि आइडियल जोड़ होते हैं, छोटी दुम के अंदर है, लंबे लंबे नाखून है, ठीक है, बड़ा अच्छा बच्चा है यार। मैं आपको दूसरा पीस ला के दिखाता हूँ, एक और भी पकड़े हुए दो, वो दोनों कबूतर भी मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये बच्चा और बड़ा सयाना बच्चा, ये बड़ा इलाके में रुलाया, कभी जाता था आता था निकल जाता था, तो आखिरकार जो है ना मेरे उसमें कबूतर खुले हुए थे उस दिन, तो मेरे कबूतर खुले होने की वजह से आके उधर बैठा है और फिर इसको जो है ना हमने पकड़ लिया। और ये उस दिन की बात है जिसे मैं चपड़ा कबूतर गया था, उस दिन एक जो मैंने कबूतर पकड़ा था ना वो ये बच्चा था, ये वाला, ठीक है, बड़ा सयाना बच्चा है, बड़ा इलाके में रुला सुबह, फिर मेरे कबूतर खुले होने की वजह से आके बस जाल के ऊपर चढ़ा तो फिर वहां से नहीं हिला। ये इसकी आंख देख लें आप, कितनी शानदार आंख बनी हुई है। मैं आपसे आपको पर्शर दिखाता हूँ, पर देख लें जी, थोड़ा वेट के अंदर बच्चा, ये भी बड़ा छोटा सा बच्चा आया था, आप कली गिरा गया, पर देखिएगा, ये चेक करें पर देखिए इसको किस क्वालिटी का लगा हुआ है, थोड़ा वेट में है, पहले नीचे नीचे फिरेगा, जब इसको हम थोड़ा सा खोलेंगे ना डंडे के नीचे लाएंगे फिर ये आसमान जाएगा, इससे इतनी जल्दी आसमान जाना नहीं है। ये देख लें, ये पर है पूरे, बहुत से दोस्त कहते हैं यार आप सही पर नहीं दिखाते, मैं कहा चलो पूरा डिटेल के साथ पर भी जो है ना पूरे ही खोल के दिखा दूं, जिस तरह लोग पसंद करें उस तरह। ये देख लें भाई, इस तरह भी खोल दिया, इस तरह भी खोल दिया, देख लो जैसे भी आपने देखना। ये इसके पर हैं, ठीक है, वैसे जो सही कबूतर का पर खोलने का तरीका होता है ना वो ये होता है, इतना पर ही खोला जाता है, कबूतर को इतना पर खोल के देखा जाता है, जज किया जाता है, पर लोगों को नहीं अंदाज़ा होता, लोग बस ऐसी वैसी बातें कर देते हैं। चपड़ा कबूतर आया नहीं जी वापस, चपड़ा कबूतर जो है वो भाग गया और पता भी नहीं चला कहाँ पे गया, 2-3 दिन 4 दिन तो नज़र आता रहा इलाके में, उसके बाद नहीं अब नहीं नज़र आया। ये इसके पंजे देख लें, स्याही माल पंजे हैं, स्याह ऊपर जो है ना स्याही हुई हुई है सारी, ये देखें काले काले से पंजे हैं, ये कहीं सियालकोटियों में क्रॉस है ये बच्चा भी ना, मुझे जहाँ तक डाउट लगता है कि किसी सियालकोटी कबूतरों के अंदर ये क्रॉस हुआ हुआ है। हड्डी माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन, जोड़ भी ठीक है। ये हो गया, एक तीसरी रह गई पट्टी, वो भी मैं आपको ला के दिखा ही देता हूँ लगे हाथ। लें दोस्तों ये है पट्टी जो कि आई है, पट्टी बल्कि क्या मादी कह लें, एक किस्म की मादी है, ये भी क्रॉस ब्रीड के अंदर बनी हुई मादी है भाई, ये देख लें, ये इसकी आंख शांक है, आंख देख लें बिल्कुल क्लियर कर दी मैंने, और इसके भी मैं आपको पार्शर दिखा देता हूँ यार, ये देखें ये इसके पर हैं, ये ना हालात में कबूतर उड़ाओगे तो कहाँ कर जाएंगे, ये देखें बाहर से कलियाँ आ रही हैं, अंदर से आ रही हैं, परों का हाल आप देख लें किस कदर बुरा है, जब इस तरह कबूतर गलियाँ आ रही हैं तो कहाँ से उसने घर पहुँचना है यार। दूसरी साइड का देख लें, यहाँ से भी बुरे हाल, इसके अंदर से भी आ रही हैं, बाहर से भी कलियाँ आ रही हैं, कुछ समझ नहीं लग रही कैसे खंचा हुआ कैसे काटा हुआ, कोई इसमें जो है ना समझ नहीं आ रही, ठीक है। ये देख लें ये हालात हैं दूसरी साइड के पर के, बंद टेल है, टेल ठीक है, और ये इसके हैं पंजे, पंजे लाल सुरख से हैं और जोड़ बंद हैं, हड्डी थोड़ी सी चुभ रही है, ठीक है, मुनासिब सी हड्डी है, ये मादी है, ठीक है। ये 3 कबूतर थे जो कि पकड़े गए, चौथा कबूतर था जो कि नहीं पकड़ा गया। तो ये थी आज की वीडियो, तो आपने बताना ज़रूर है आपको ये ख़ास तौर पे दोनों बच्चे कैसे लगे इनका ज़रूर बताना, ये तो मुझे पता ना, ये तो वैसे बेकार है, वो दो बच्चे अच्छे हैं और उसमें से जो पहले वाला बच्चा है वो दूसरे की नस्बत बहुत अच्छा है और दूसरे वाला भी ठीक है अपनी जगह पर,
ठीक है, दोनों बच्चे अच्छे हैं, ये फारा कबूतर है और एक जो बच्चा मेरे से मिस हो गया वो भी बड़ा क्लास का बच्चा था। तो आपने बताना ज़रूर है आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।